आज हम कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज के सम्स करेंगे। ये टाइप 5 सम है। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज सम ये बताता है कि अगर दो कंट्री के इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से कंट्री से पैसा बोरो करोगे और कौन से कंट्री में आप इन्वेस्ट करोगे। ये जो डिसीजन हमें लेना होता है, इसमें एक्सचेंज रेट दिया रहता है, कुछ महीनों का फॉरवर्ड रेट दिया होता है, यहाँ आपको फॉर्मूला अप्लाई करके डिसाइड करना है। तो आगे जाके चलते देखते हैं हम कैसे ये सम सॉल्व किया जाता है। टाइप 5 सम ये कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का है। इसमें आपको चार फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, होम इंटरेस्ट फैक्टर, फॉरेन इंटरेस्ट फैक्टर और जो तो थंब रूल्स है वो। तो इंटरेस्ट फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि आपको दो कंट्री का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, एक है होम कंट्री का और एक फॉरेन कंट्री का। तो ये दोनों होम कंट्री और फॉरेन कंट्री आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। एक बार आप आइडेंटिफाई कर दोगे तो जो इंटरेस्ट दिया होता है वो बेसिकली एक साल का दिया जाता है। इंटरेस्ट फैक्टर में आप कितने महीने के लिए बोरो या इन्वेस्ट कर रहे हो उतने ही महीने का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। एक बार आपको इंटरेस्ट फैक्टर मिल जाएगा, अब ये फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 थंब रूल में अप्लाई कर दोगे। अब ये फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 क्या होता है, तो फॉर्मूला 1 पे चलते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला 1 ये बोलता है कि फॉरवर्ड रेट अपॉन स्पॉट रेट इनटू फॉरेन इंटरेस्ट फैक्टर माइनस होम इंटरेस्ट फैक्टर। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपके पास ऑलरेडी ये सब इंफॉर्मेशन दिया गया होगा क्वेश्चन में और इंटरेस्ट फैक्टर तो आपने कैलकुलेट किया ही है, तो वो भी आपके पास होगा। जब आप ये वहां लगा दोगे वैल्यूज, तो वहां आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका जो आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सपोज आंसर नेगेटिव है तो ये जो थंब रूल है बोरो होम एंड इन्वेस्ट फॉरेन अप्लाई होगा ही नहीं। अगर ये पॉजिटिव है तो आप ये थंब रूल अप्लाई करोगे, बोरो फ्रॉम होम इन्वेस्ट इन फॉरेन। ये जो आंसर आपका आएगा यही आपका आर्बिट्रेज गेन रहेगा। अब फॉर्मूला 2 में देखिए, फॉर्मूला 2 क्या कहता है, स्पॉट रेट अपॉन फॉरवर्ड रेट इनटू होम इंटरेस्ट फैक्टर माइनस फॉरेन इंटरेस्ट फैक्टर। तो यहाँ भी ये दोनों फॉर्मूला आपको वैसे भी अप्लाई करना ही पड़ेगा और ये दोनों फॉर्मूला से कोई एक ही पॉजिटिव निकलने वाला है। तो जो पॉजिटिव निकलेगा आप उसी का थंब रूल अप्लाई करोगे। तो फॉर्मूला 2 कहता है कि बोरो फॉरेन इन्वेस्ट होम, अगर ये आंसर पॉजिटिव निकला तो आप ये थंब रूल अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे मैंने कहा इन दोनों में से कोई एक थंब रूल ही निकलने वाला है पॉजिटिव, तो जो निकलेगा उसका आर्बिट्रेज गेन आपको बताना है कितना है और ये डिसीजन से आप आगे जा सकते हो। चलिए अब हम एक सम देखते हैं ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके और समझने के लिए। तो यहाँ मैंने एक सम लिया है जिसमें मैंने आपको स्पॉट रेट दिया है यूरो यूएसडी 1.4345, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया है यूरो यूएसडी 1.4355, यूएसडी का इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम, यूरो का इंटरेस्ट रेट है 4% पर एनम। यहाँ उन्होंने बोला है कि वर्कआउट आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी। ये स्टेप 1 है, यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आप उसे सबसे पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसमें आता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें होम करेंसी कौन सा है और फॉरेन करेंसी क्या है। तो इसमें आपका कोटेशन कैसे दिया हुआ है, 1 यूरो इक्वल टू यूएस डॉलर 1.4345, यानी कि जो आपका 1 यूरो है वो आपका फॉरेन करेंसी हो गया और यूएसडी आपका होम करेंसी हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज आपको दिया है 1 यूएस डॉलर इक्वल्स टू 60.50 रुपीस, ओके। तो यहाँ यूएस डॉलर आपका फॉरेन करेंसी हो जाएगा और INR आपका होम करेंसी हो जाएगा, बेसिकली यूरो अपॉन यूएसडी, तो यूरो आपका फॉरेन करेंसी, यूएसडी आपका डोमेस्टिक करेंसी।
अब यूरो का रेट ऑफ एक्सचेंज कितना, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 4%, और आपका यूएसडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% पर ईयर। यहाँ मंथ्स कितना दिया हुआ है 3। तो ये सब इंफॉर्मेशन नोट डाउन करना है। अब हम स्टेप टू में चलते हैं। यहाँ हमें इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले होम इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। होम इंटरेस्ट रेट हमें पता है जो कि है 5%, तो 5% लगा देंगे हम, और थ्री मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। तो 3 महीने के लिए जितना होम इंटरेस्ट फैक्टर आता है प्रॉपर बोर्ड मास रूल से हम कैलकुलेट करके लिख लेंगे। सेम थिंग फॉरेन इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो फॉरेन इंटरेस्ट हमें पता है 4%, उसे डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है। तो 4% होता है 0.04, और 3 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ भी हमें फॉरेन इंटरेस्ट फैक्टर मिल गया है। ये स्टेप 3 है। यहाँ हम थंब रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें 4 फिगर्स की जरूरत है। एक है फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट, होम इंटरेस्ट फैक्टर, फॉरेन इंटरेस्ट फैक्टर। ये चारों हमारे पास हैं। अब फॉर्मूला 1 में अप्लाई कर लेते हैं। फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट रेट इंटू फॉरेन इंटरेस्ट फैक्टर माइनस होम इंटरेस्ट फैक्टर। बोर्ड मास रूल अप्लाई कर दिया है और मुझे आंसर नेगेटिव आया है। तो अगर ये आंसर नेगेटिव आया है, यानी कि यहाँ थंब रूल क्या बोलता है कि बोरो फ्रॉम होम इन्वेस्ट इन फॉरेन, तो ये यहाँ अप्लाई होता ही नहीं क्योंकि मेरा आंसर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, तो ये रिजेक्ट हो गया। अब फॉर्मूला 2 में मैं अप्लाई करती हूँ। स्पॉट अपॉन फॉरवर्ड रेट इंटू होम इंटरेस्ट फैक्टर माइनस फॉरेन इंटरेस्ट फैक्टर। यहाँ मैंने फिगर्स अप्लाई कर लिया है और मेरा आंसर पॉजिटिव है, यानी कि ये थंब रूल ये बताता है कि अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो आप बोरो फॉरेन कंट्री से करोगे और इन्वेस्ट होम कंट्री में करोगे। तो यहाँ आपका आर्बिट्रेज गेन ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको मिला हुआ है 0.0017947, लेकिन हाँ आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो आपको अस्यूम करना है कि आपने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया है। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। तो 10 लाख इंटू 0.001794 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका गेन रहेगा 1794 यूरो। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आप फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 अप्लाई करोगे, इसमें से एक पॉजिटिव निकलेगा और एक नेगेटिव निकलेगा। तो इस जब आंसर पॉजिटिव निकलता है तो आपको वही थंब रूल अप्लाई करना है और वही फिगर्स आपका आर्बिट्रेज गेन रहेगा। थैंक यू।